सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए फरियादियों की समस्याओं को बारी बारी से सुना गया और फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता युक्त समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। जिसके संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि तहसील समाधान दिवस पर विभिन्न प्रकार के मामले आए, जिसमें आवास विकास, नलकूप विभाग तथा जमीनी एवं पारिवारिक मामले आए। उन्होंने कहा कि अभी कुछ मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया, ज्यादातर मामले जमीनी विवाद से आए। इस अवसर पर एसडीएम सदर शिवम सिंह, अंडर ट्रेनिंग एसडीएम राजेश कुमार, तहसीलदार वीरेंद्र कुमार गुप्ता, सीओ कैंट श्याम देवबिंद, सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, पर्चा दाखिला आपके पास भी दिए, आप उसके बाद साढ़े चार लाख कुछ जीती हूँ देती हूँ। तहसील समाधान दिवस पर विभिन्न प्रकार के मामले आए, कुछ मामले आवास विकास से संबंधित थे, कुछ प्राधिकरण से संबंधित थे, कुछ नलकूप विभाग से, परंतु मुख्यतः मामले तहसील और थाने से संबंधित जमीनी विवाद एवं अन्य प्रकार के पारिवारिक विवाद के मामले सामने आए। कितने मामलों का निस्तारण किया? अभी लगभग 8 से 10 मामलों का निस्तारण तत्काल कर दिया गया है। हमें 86 मामले अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। अभी तहसील दिवस बाकी है, जब बाकी भी आएंगे उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। ज़्यादातर जमीनी विवाद के मामले सामने आए।